चलिए अपना टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट कर लेते। तो मैं अभी आज का जो मार्केट है जो कि 31 जुलाई का, तो आज के मार्केट में क्या हो रहा है एक बार देखे, जो 31 जुलाई का आज का जो मार्केट है, तो आज के मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है, क्या लर्निंग पॉइंट्स वगैरह है। तो आज अगर देखे तो बड़ा रेड कैंडल बनाया, उसके बाद में नीचे की तरफ से ऊपर गया। तो एक दो दिन मतलब यहाँ पे एक मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर मार्केट का आपको ट्रेंड पकड़ना है, ट्रेंड के साथ चल रहा है, किस तरह का मोमेंटम आने वाला है और क्या, तो वो थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करने वाले। अगर डेली कैंडल स्टिक में अगर देखें तो डेली कैंडल स्टिक में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ से एक सम रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ से क्या हो रहा है, एक मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन 1 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे ट्रेंड देखने पड़ेगा। तो ट्रेंड क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है मार्केट इसी जोन में, साइडवेज जोन है, इसके नीचे निकलता है तब एक डाउन साइड का मोमेंटम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या ऊपर का जो हाई तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने जाता है। तो रिट्रेसमेंट करने के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ का ब्रेकडाउन देता है, नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन देता है, वो देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए भाई 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा स्लाइड टू निगेटिव देखने को मिल रहा है, अभी रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो इस तरह के रिट्रेसमेंट किस तरह से इंट्राडे में ट्रैक कर सकते, या मार्केट का थोड़ा कुछ जो भी नॉलेज हो तो उसकी तो उस ट्रेंड को किस तरह से राइड कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं आपको बताना हूँ। कभी भी देखें फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का, डेली का जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है उसको मार्क कीजिए। देखो आज का जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है, मार्केट ऑलमोस्ट उसके अंदर ही है, उसको लो को ब्रिज नहीं किया, उसके अंदर कैंडल बना, उस कैंडल का हाई जैसे ब्रेक हो, और जैसे ही मैं एक लेवल देता हूँ पिछले वाला स्विंग हाई देखें, यहाँ पे पिछले वाला स्विंग हाई जैसे ब्रेक हुआ तो एक मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम करता हुआ देखने को मिला। उसी हिसाब से अगर देखें तो 28th ऑफ डे को क्या हुआ, यहाँ पे जुलाई को बड़ा रेड कैंडल बना। देखो मार्केट में बड़ा रेड कैंडल क्यों बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे अगर देखे ये क्या हो रहा है, इंडेक्स हर तरह देखे तो लोएस्ट में चल रहा है। जब भी इंडेक्स बड़ा यहाँ पे 9% अप ओपन आता है, 5% अप होता है, तो ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा बनता है। यहाँ पे बड़ा बड़ा इसका हाई जब तक कटता नहीं तब तक यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं, और जैसे उसके लो के नहीं उसके अंदर तो साइडवाइज होके अगर हम स्टेट ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। उसी तरह से 27th ऑफ जुलाई को क्या हुआ, देखिए गैप अप ओपन हुआ फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई के अंदर और लो के अंदर, ये यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड का हाई क्रॉस किया लेकिन गैप अप हुआ था, जैसे उसका लो ब्रेक किया तो एक डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे अब उनको देखने को मिला। उसी तरह से फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरह से भी अगर ट्रेड करेंगे तो बहुत अच्छा ट्रेड आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसी तरह से 25th ऑफ जुलाई को भी देखे क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई के ऊपर, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, हाई के ऊपर सस्टेन करता है कोई भी 5 मिनट कैंडल का हाई जैसे ब्रेक करता है तो एक मार्केट अपसाइड के लिए रैली करता हो देखने को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है अपना जो ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद में फिर से क्या, 25th ऑफ जुलाई, 25th ऑफ जुलाई क्या बड़ा रेड कैंडल हुआ, मॉर्निंग में सेलिंग से प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसके हाई के ऊपर नहीं गया, सस्टेन नहीं होता, एक अपसाइड का मोमेंटम तो अभी तक नहीं है, लेकिन लो के नीचे जैसे एक प्रोजेक्शन डाउन साइड का बनाया था, एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिला। अभी जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर मैं आपको खूब बहुत ज्यादा चीजें बता रहा हूँ। देखो 24 जुलाई को क्या हुआ, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा, देखो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के अंदर ही कैंडल बन रहे, तो कुछ करने का ही नहीं ना, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के अंदर ही कैंडल बन रहे, फर्स्ट हाफ मतलब 10 10 तक यहाँ पे कुछ मार्केट मूवमेंट है, जैसे 5 मिनट का कैंडल हाई ब्रेक किया अपसाइड को मिटा, और एक लॉजिक अगर यहाँ पे आप लगा दे तो पिछला वाले जो अगर यहाँ से स्मॉल ट्रेंड लाइन भी खींचते तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक देता है नीचे की तरफ, यहाँ पे प्रेशर नहीं है सेलिंग का प्रेशर, जैसे ब्रेक डाउन किया एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है इमोशनल कंट्रोल नहीं रहता, कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहता। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रहता उसका बारे में भी मतलब आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मैंने प्रैक्टिस करके चीज़ें आपको बताना चालू किया, आपके लाइव में बता रहा हूँ, आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगा कि हमें प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको ये सॉल्यूशन वगैरह ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको पता चलेगा। मैं हर रोज निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो मैं हर रोज यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ ये चीज़ें। अभी देखो फिर से यहाँ पे गैप डाउन होगा, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हाई पे ब्रेक कर दे तो फटाक से ऊपर की तरफ का मोमेंटम, लेकिन गैप फिल नहीं किया कुछ नहीं, लेकिन देखो सेकेंड हाफ में क्या हुआ, वो जो लो था उस लो के नीचे जैसे गया था एक डाउन साइड का मोमेंटम भी देखने को मिला, और जो 5 मिनट कैंडल का हाई को ऊपर नहीं किया वहीं पे रेजिस्टेंस लिया मॉर्निंग में, वहीं से फॉल देखने को मिला। तो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का हायर लो बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, जो कि मार्केट के लिए अभी कुछ दिनों से 20 ऑफ जुलाई को क्या हुआ, देखो मॉर्निंग में पहला कैंडल रेड बन चुका। देखो वोलेटिलिटी से इतना बड़े बड़े कैंडल बने कि कोई भी ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आप फंस जाते, ऐसे लीड होता कोई नहीं एक्सेप्ट, लेकिन उसके लो के नीचे जैसे ही गया तो एक डाउन साइड का मोमेंटम भी देखने को मिला। हाई पे परफेक्टली उसने रिट्रेसमेंट लेके, और जब भी उसका हाई सेकेंड हाफ में ब्रेक हो उसके ऊपर गया तो प्राइजेक्शन देखो किसी तरह से कितना बढ़िया तरीके से अपसाइड के लिए, तो अगर
फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के लो के नीचे है, तो यहाँ पे सम डाउन साइड भी देखने को, उसके बाद में ट्रेंड चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर, पिछला स्विंग के हाई के ऊपर भी कहते मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम करता हुआ देखने को मिल गया। चलो ये तो हो गया। उसके बाद में फिर से 19 जुलाई, देखो मैं पूरा जुलाई मंथ का आपको बता रहा हूँ। 19 जुलाई फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के अंदर 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 ही तो साइडवाइज है, जैसे लो ब्रेक हुआ तो डाउन साइड का मोमेंटम, हाई भी ब्रेक हुआ, मैंने बोला हाई भी नहीं ब्रेक हुआ, लेकिन हाई ब्रेक होकर के उस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं आया, लेकिन लो ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर से डाउन मोमेंटम किया, तो एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। परफेक्टली वही अगर देखें तो 18 जुलाई, 18 जुलाई पे क्या हुआ, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के लो के नीचे का डाउन साइड का मोमेंटम आया, गैप फिल कर दिया, उसके बाद में ऊपर गया। देखो तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि बड़ी बड़ी कैंडल्स हो रहे हैं, जब ये फर्स्ट 5 मिनट हो रहा है तो बस बड़ी बड़ी कैंडल्स, ऑप्शन में बड़ी कैंडल्स हो रहे हैं, डायरेक्टली आप जंप करेंगे तो आपको लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा है, तो ये मत कीजिए। देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वहीं पे सीखिए और वहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखिए कि और इस 5 मिनट कैंडल के साथ अगर इसको फॉलो करते हुए भी अपन अगर ट्रेंड देखते हैं तो ही मार्केट में अच्छा सा ट्रेंड भी देखने को मिलता है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के नीचे कैंडल बन रही है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आप यहाँ पे प्राइजेशन फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 13th डेट को क्या है, हैमर टाइप ऑफ कैंडल है, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल के हाई के भी ऊपर गया, ब्रेक कर दिया, लो यहाँ पे कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस लगा के साथ ट्रेड लो, तो एक अच्छा सा मोमेंटम अपसाइड के लिए बनता हुआ देखने को। उसी तरह से 12th जुलाई, 12th जुलाई पे क्या हुआ, सेम कंडीशन वही हुआ। तो फिर से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप देखिए समझिए ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, आप चीज़ें आप खुद ही ट्रैक कीजिए और इंट्राडे का अच्छे तरीके से आप ट्रेंड यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। अभी लाइव मार्केट में देख रहे हैं फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का जो आज का जो हाई था वहीं पे एक रिजेक्शन लेता हुआ देखने को, जब तक इस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं करता तो अभी सेकेंड हाफ के लिए अभी मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा, तो लेट सी देखते एक अपसाइड का मोमेंटम अभी रिट्रेसमेंट करेगा, रिट्रेसमेंट में कोई यहाँ पे डिप मिलता है तो फिर से अपसाइड के लिए जाने की कोशिश, लेकिन पिछला वाला स्विंग हाई भी है और कल का जो 28 जुलाई का जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है उसका भी हाई यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रैक कीजिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को मेरे को बताइए, लाइव में आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से मार्केट मोमेंटम हो रहा है, तो आप ट्रैक कीजिए और ट्रैक करने के बाद मेरे को बताइए।